सेवा भी मैं आपकी आंखें बंद करूंगा। अच्छा, आपको एक सरप्राइज दे रहा हूँ मैं। ठीक है हाँ। एक ऐसा सरप्राइज है, उनको आप जानती हैं, उनको आपने देखा है। देखो मैं चीख ना मारूं उसको देख के, मेरे ख्याल बेला जैसी चीज नहीं दिखा। नहीं बेला जैसी चीज नहीं, ऐसी चीज वैसे ही रात को डराती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनफैक्ट आइए जी, आप आइए, पहले आप आके बिल्कुल सामने खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद मैं आंखों पे से हाथ हटाऊंगा। खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि कौन है। और आप देख के बहुत बहुत खुश होंगी। अच्छा हाँ जी, भेजिए प्लीज। अल्लाह का शुक्र, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको देख के खुश होते। अरे आप देखिए तो सही, देखो बेला नहीं हो शायद मुझे मैं मार दूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बेला नहीं है। और कोई मेला भी ना हो फिर कुछ भी जगह, कोई मेला नहीं है। मैं ऐसी चीजें मार देती हूँ। सर यहाँ देखें आप, इधर 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 इधर, बापी लाहौल। अब फिर तुम अभी से कहां से नवाज रहा बजाएगा। आपको पता है ये तैयार हुआ है ना, ये जो तैयार हुआ है 50-50 में, मेरे छोटे भाई फलक जेब ने इसको तैयार किया था। ये हाँ। पोनी बनाया था, ये सुरमा लगाया था, और ये पूरा गेटअप मेरे छोटा भाई इतना सा था, उसने पूरा इसको तैयार किया था, ये गेटअप उसने किया था। तो बहुत ही अच्छा लगा था। बोले रहू भाई मैं आपको जमाजा बनाना चाहता हूँ। मैंने क्यों भाई? बोले नहीं बस मेरा शौक है। लगाइए गाना, लगाइए प्लीज गाना लगाइए। नाखून जरूर दिखाना, उसमें इतना मैल होता है। मेरे सावरिया तो मेरे सावरिया तो बांसुरी बजाएगा। थैंक यू। कुछ पुरानी यादें जबरदस्त। ये बात जरूर कहूंगा जेबा बाजी के लिए, खासकर इन्होंने जो मुझे चमाटे मार के, जो मेरा एक जो करेक्टर था जो बहुत ही ऊपर आया था, करेक्टर वो था अनारकली वाला, जिनमें ये मेरी वालदा बनी होती है। और 18 तकरीबन टेक हुई है इस समाज में बिला वजह की। एक टाइम से इसका मुंह मेरे जैसा हो गया। बैठिए प्लीज बैठिए, आप इधर आइए, बैठे बैठे, इज्जत मिल रही है आपको। गार्डन के आखिरी कोने पर है एक स्टोर, सब शेर पुकारते हैं उसको।